तो दोस्त बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर कोई एक इंस्टीट्यूट रिकमेंड कर दो, कोई एक ट्रेनिंग सेंटर बता दो जहाँ से हम अपनी ट्रेनिंग कर सकें, चाहे वो जावा का हो, पाइथन का हो, लिनक्स का हो, सर्वर का हो, या डेवऑप्स, क्लाउड, कोई सी भी टेक्नोलॉजी हो। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि कोई ना कोई एक इंस्टीट्यूट बता दो। मैं उसी के बारे में थोड़ा सा भी डिस्कस करेंगे, हम एक जनरल डिस्कस करेंगे कि ना तो मैं इंस्टीट्यूट कोई बताने वाला हूँ और ना ही मैं उसके कोई रिकमेंड करूँगा कि आप उसमें चले जाओ, बट वो एक जनरल पॉइंट होगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है। तो मैं दोस्त बता दूँ तो मेनली दो टाइप्स के इंस्टीट्यूट होते हैं, दो टाइप्स के इंस्टीट्यूट इन द सेंस मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक तो वो होता है जहाँ पे आप 15,000 20,000 रुपए दे के आप जॉब कर सकते हो, एंड एक इंस्टीट्यूट होता है 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए आपसे चार्ज करता है, एंड देन इसके बाद आप जॉब कर सकते हो। तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा कि देखो 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार वाला आप कोई सा भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे, आप एनरोलमेंट कराने जाते हो, एडमिशन कराने जाते हो, और वहाँ पे क्या होता है एडमिशन के टाइम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम आपको 100% प्लेसमेंट दिलाएंगे, ये मेरा प्लेसमेंट क्राइटेरिया है, इतने कैंडिडेट को हमने प्लेस करा दिया इधर उधर, ये चीज़ें आपको सारी वहाँ पे बताने वाले हैं। बट द थिंग इज हियर कि आप जब एनरोलमेंट करा लेते हो, आप पढ़ाई करते हो, और उसके बाद पता चलता है कि आपको जॉब वहाँ से नहीं मिल रही होती है, राइट? क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मतलब मैं लगभग लगभग 98-99% इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, 1% इंस्टीट्यूट ऐसे होंगे जो आपको 20 से 25 हज़ार में जॉब दिला दें वहाँ से, मैं क्या है वो इनरोलमेंट करा लेंगे। एंड इसके बाद क्या होता है कि इसी में एक फैक्ट है कि अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने, हमें इसी में इस इतने में ही जॉब करनी है, तो मैं आपको बता दूं कि 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार वाले जो इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे जाके आप स्किल्स गेन करो, आप पढ़ो और मार्केट में उतरो, आप अपनी जॉब सर्च करो, क्योंकि आपके पास जब स्किल्स होगी अच्छी खासी तो मार्केट में जॉब्स आपके लिए बहुत मिल जाएंगी। जॉब्स कल भी बहुत थी और आज भी बहुत हैं, बस बट कैंडिडेट के पास स्किल्स नहीं है, सिर्फ इस वजह से जॉब उनको नहीं मिल रही। 15 से 20 हज़ार की ट्रेनिंग करने के बाद हम खुद से जॉब सर्च कर सकते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप वही इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, बेटर है, बट वो आपको खुद को डिपेंडेंट होना पड़ेगा, खुद से जॉब सर्च करनी पड़ेगी। एंड मैं बात करूँ वहाँ पे 1 से 1.5 लाख रुपए जो फीस लेते हैं, तो यस वहाँ पे आपको प्लेसमेंट भी मिलता है, आपको उस लेवल का स्किल दिया जाता है जो कंपनी सेट के लिए रिक्वायरमेंट होता है, तो यस वो आपको जॉब दिलाते हैं। यहाँ पे भी 99% जो इंस्टीट्यूट है वो सारे के सारे जॉब दिलाते हैं। अब कई बार क्या होता है कि आप एक एग्जांपल ले लो, आपके कॉलेज में 50 कैंडिडेट हैं BCA में या BTech में या कोई भी IT फील्ड कर रहे हैं, और वहाँ पे 50 है, तो अगर कॉलेज प्लेसमेंट होता है तो हो सकता है 49 लोगों का हुआ, हो सकता है 45 लोगों का हुआ, तो 100% सबका नहीं होता है। तो अगर आपके बैच में 20 कैंडिडेट हैं, हो सकता है कि 19 कैंडिडेट को मिल जाए, हो सकता है 18 कैंडिडेट को वहाँ से जॉब मिल जाए। इंस्टीट्यूट वो वाले एक होते हैं जो 2-2.5 लाख रुपए आपसे चार्ज करते हैं, और जॉब दिलाने के बाद आपके बाद आपसे पर मंथ EMI के रूप में काटते रहते हैं, तो आप चाहो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये बेसिकली दो तरीके के इंस्टीट्यूट हैं, बाकी आप ज्वाइन कर सकते हो आपको जो भी अच्छा लगता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शिवम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।